बिना वैक्सीन कैसे जीतेंगे जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन कोरोना से जंग जीतना है तो उसका एक ही मंत्र है, सबका वैक्सीनेशन। लेकिन ना दिल्ली में वैक्सीनेशन की कमी की वजह से जो 3 महीने का अंदर टारगेट रखा गया था वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार के मुताबिक कोवैक्सीन का रिजर्व स्टॉक खत्म हो चुका है, ऐसे में वो सेंटर्स बंद करने पड़े हैं जहां कोवैक्सीन लगाई जा रही थी। तो वहीं पूरा विपक्ष केंद्र सरकार से मांग कर रहा है कि पूरे देश में वैक्सीन फ्री किया जाए, जिससे आर्थिक तौर पर जो कमजोर लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन की डोज मिल सके। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लड़ाई जब हम सबको मिलकर लड़नी है तो यहां पर सियासत क्यों हो रही है, और आखिर जो वैक्सीन को लेकर हम बात कर रहे हैं उस वैक्सीन की सप्लाई में कमी क्यों हो रही है, क्यों लोग निराश हो रहे हैं, राज्य सरकारों को केंद्र से क्यों शिकायत है और दिल्ली सरकार भी लगातार डिमांड कर रही है, वो डिमांड पूरी क्यों नहीं हो रही है, यही चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता वरुण पुरोहित भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं आप प्रवक्ता संदीप मिश्रा भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले संदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह की स्थिति हम देख पा रहे हैं, इस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोरोना की दूसरी लहर की ये तबाही देख रहे हैं, उस बीच एक वैक्सीनेशन ही बड़ा हथियार माना जा रहा था, जिसको एक महाअभियान का नाम भी दिया गया। तो संदीप जी, सीधा मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, आपसे समझने की कोशिश करूंगी। एक तरफ ये कहा जाता है कि वैक्सीनेशन ही हथियार है और इसी से जंग को जीता जा सकता है, दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी, आखिर जब वैक्सीन बंद हो जाएगी, वैक्सीन नहीं मिलेगी तो इस जंग को कैसे जीता जाएगा, और जो महाअभियान की और जिस हथियार की बात करें वो भी कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है इस स्थिति में। आप त्यागी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है कि बिना हथियार के युद्ध कैसे जीता जाएगा। यही बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कहते आए हैं, यही बात हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी बार बार कहते आए हैं। आखिर दिल्ली के लोगों के को ही नहीं, पूरे देश के लोगों को इस युद्ध में बीच समर में बिना हथियार के पंगू क्यों खड़ा कर दिया है मोदी सरकार ने, ये सवाल बार बार उठता है। और ये लाजमी भी है कि दुनिया का सबसे जवान देश आज मौत के घाट पर स्थिति पर खड़ा हुआ है, जहां आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान से लेकर शमशान तक अटे पड़े हैं, मरने के बाद भी इंतजार खत्म नहीं हो रहा। ये कतारों की सरकार जो आई है, जब से ये कतार लेके आए हैं, सबसे आज तक कतारों का सिलसिला देश में टूटा नहीं है। आज हमारे 100 सेंटर ऐसे जागी थी आत्मा दी, इस और ऐसे सेंटर है दिल्ली के जो बंद कर दिए गए हैं, जहां से लोगों को जान बचाने की ये वैक्सीनेशन होना था। क्या कितने मजबूर हो गए हम दिल्ली के लोग, कितने हम यतीम जैसी स्थिति हो गई है कि हमारा कोई खैर ख्वाह करने वाला नहीं है। बार बार चिता रहे हैं, बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने शुरू किया, हमारा लक्ष्य था कि 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली का सुरक्षा घेरा कर देंगे कि एक भी व्यक्ति की मौत ना हो वैक्सीन ना लगने के कारण। हमारी कोशिश थी, हमने स्कूलों को कन्वर्ट कर दिया, लेकिन बीच में देखिए सरकार ने एक बड़ी अच्छी ढील दी थी कि आप सीधे वैक्सीन खरीद लीजिए। हमने अप्रैल में सबसे पहले चिट्ठी लिख के मांग की, बजाय कि कंपनी मना करे, मना करने के लिए सरकार के लोग आ गए। कल फिर उन्होंने चिट्ठी लिख के दे दी कि हम बिना सरकार के कहे वैक्सीनेशन नहीं दे सकते। अब सरकार ने एक नया सी गुफा छोड़ दिया है कि हम बैठ के तमाशा देखेंगे और राज्य खुद को ग्लोबल ट्रेडिंग करे। ठीक है, कैसे होगा? एक वन नेशन वन पेंशन, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले मोदी जी आज कहने लगे वन नेशन एंड मल्टी टास्किंग। आप राज्य भिड़ जाओ, 30-30 राज्य। बिल्कुल, एजेंडा सेट कर दिया गया है, लेकिन इस एजेंडे को अमली जामा कैसे पहनाया जाए उसमें कहीं ना कहीं लूपहोल नजर आ रहा है, और समझने की कोशिश करेंगे शुभेंदु जी से। लेकिन उससे पहले वरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पूरा विपक्ष इस वक्त यही मांग कर रहा है केंद्र से कि वैक्सीन दी जाए और जल्द से जल्द जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को दूर किया जाए, वैक्सीन को फ्री किया जाए, ताकि आर्थिक तौर पर जो लोग कमजोर है उन्हें भी वैक्सीन मिल पाए। लेकिन अब तो वैक्सीन ही नहीं मिलेगी और दिल्ली में स्थिति आप समझ रहे हैं कि किस तरह की है। आशिमा जी, डिजास्टर मैनेजमेंट की जगह पूरा मिसमैनेजमेंट डिजास्टर से इन्होंने किया ही है। वैक्सीनेशन की कोई प्लानिंग नहीं थी, पहले कहा सीनियर सिटीजन को मिलेगा, फिर 45 से मिलेगा, फिर 18 की बात करती। जब आपके पास इतनी सप्लाई नहीं थी, तब प्रोडक्शन नहीं था, तो आपको इतनी बातें करनी नहीं चाहिए थी। आप एक महीना पहले कह रहे थे उत्सव मनाइए, ऐसे उत्सव मनाएंगे मरघट में जाके, शमशानों में जाके आदमी,
देखिए मिसमैनेजमेंट और गलती तो इनसे हुई है और अभी भी रिपीटेडली कर रहे हैं। आज मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी, अब आज मैंने भी न्यूज में देखा डीएम से बात करेंगे। भाई डीएम से बात क्यों करोगे? आप चुने हुए प्रतिनिधि आपके नीचे नाक के नीचे बैठे हैं, संसद के उन संसद सांसदों से बात क्यों नहीं कर रहे हो? जनप्रतिनिधियों को आप ओवरलैप कर रहे हो, डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी से बात कर रहे हो, ना तो आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर रहे हो ना आप जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हो। ये जो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कराए जा रहे हैं उससे सारा ये सब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जन केजरीवाल जी अच्छे हो बुरे हो बात की बात है, लेकिन मनीष सिसोदिया केजरीवाल से आप डायरेक्ट बात करो, बुला लीजिए फोन पे, दिल्ली को दूर है क्या आपस में? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सब ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आपस में कोल्ड वॉर चल रही है यूएस और यूएसएसआर की उस जमाने की, तो ये आपस में बात ही नहीं करना चाहते। कभी नड्डा जी चिट्ठी लिख रहे हैं, कभी चिट्ठियों से काम होगा इस समय? आप तुरंत फोन करिए, तुरंत एक दूसरे घर जाइए, इसमें क्या ईगो की बात आ रही है? मेरे ये समझ में ठीक है, ले लेते हैं जवाब शुभेंदु जी, कौन सी ईगो की बात? ठीक है मैं आऊंगी वरुण जी, लेकिन अब इतने सवाल हो गए हैं, एक एक करके सबका सवाल यहाँ जवाब ले लेना चाहिए शुभेंदु जी से। शुभेंदु जी आपने आप प्रवक्ता को भी सुना होगा, कांग्रेस नेता को भी सुना होगा, साफ तौर पर नाराजगी है, ये नाराजगी आखिर क्यों? और जो गैप की बात यहाँ पर कर रहे थे वरुण जी, ये गैप है क्या? वाकई कम्युनिकेशन गैप है? और जब पूरा खाका तैयार ही नहीं था तो बड़े बड़े वादे क्यों कर दिए गए? आशिमा जी मैं इसका जवाब केवल एक से डेढ़ मिनट के अंदर दूंगा, बीच में कोई ना बोले मेरा अनुरोध है, क्योंकि देखिए ये अभी तक आज से तीन दिन पहले तक ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लड़ाई कर रहे थे, पूरे दिल्ली के अंदर पैनिक डेवलप कर रखा था। अरविंद केजरीवाल की ये बहुत बड़ी आदत है कि पूरे दिल्ली में पैनिक करके हर आदमी को डरा दिया इन्होंने। ये इनको जब 26 तारीख को इन्होंने टीवी पे आके और सबको मीडिया को बोला था कि मैंने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर कर दिया है, तो 7 तारीख को इन्होंने भारत बायोटेक को लिखा है, और जो मनीष सिसोदिया जी लेटर दिखा रहे हैं सबको, वो झूठ बोल रहे हैं पब्लिक के सामने, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। 3,00,000 3,00,000 जो फ्री कोटा पीएम के उससे आना है उसकी बात करी गई है कि आपको जो हम फ्री देंगे वो ये देंगे। दूसरी बात, क्या इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो ये नहीं मालूम है कि भारत में 5.5 का मैंने आपको कहा था शुभेंदु जी आप सच बोलने का समय किए कहा था बीच में मत बोलिएगा, आप बेशर्मी से झूठ बोलने जा रहे हैं। संदीप जी आप पहले संदीप जी सुन लीजिए, ठीक है आपको मौका दिया जाएगा सवाल करने का, आप करिएगा सवाल, अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक एक करके हम बात रखेंगे तो हम मुद्दे पर चर्चा कर पाएंगे, तो आप एक एक करके ही बात रखिए आएंगे। संदीप जी आप अपने पॉइंट्स लिख लीजिए, आप अपने पॉइंट्स लिख लीजिए, तब तक शुभेंदु अपनी बात रख ले, शुभेंदु जी अपनी बात रख रहे हैं, उनसे तो जवाब लेना है ना हमें कि आखिर लूपहोल है कहाँ पर। जी आईआरएस पास है, यहाँ ड्रामा ना करें, पूरे भारत के अंदर 5.5 करोड़ वैक्सीन बनती है और जो सीरम बना रही है, और भारत बायोटेक 1 करोड़ बना रही है, 6.5 करोड़। तो फिर सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही है? ये कमी क्यों? जब डिमांड हो रही है बार बार तो ये कमी क्यों? सवाल यही मैं बता रहा हूँ, मैं आशीर्वाद जी वही बोल रहा हूँ कि खाली यहाँ पे तो 2 करोड़ लोग हैं, यूपी के अंदर 22 करोड़ लोग हैं, 6.5 करोड़ लोग को पूरे भारत में बांटे, ये नहीं है कि खाली केजरीवाल जी को दे दिया जाएगा। दूसरी चीज आप समझिए कि लेकिन जो जरूरत होगी, जो टारगेट आप लोगों ने सेट किया है कि 18 प्लस से जो 60% आबादी जिसको हम कहेंगे, जो आपने टारगेट सेट कर दिया है उसके लिए तो डिमांड बढ़ेगी ना सर? मैं बता रहा हूँ वही आशीर्वाद जी, जिस तरीके से यूपी ने वर्ल्ड टेंडर किया है, उत्तराखंड ने वर्ल्ड टेंडर किया है, मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इकबाल साहब ने जो वो किया है वर्ल्ड टेंडर, ये यूपी यहाँ पे बैठे हुए दिल्ली में मजाक कर रहे हैं, खाली दिल्ली सुबह उठ के खाली टीवी चैनल पे आ जाएंगे कि केंद्र को केंद्र कुछ भी नहीं दे रहा है और जब 100 सेंटर्स बंद करने पड़ गए हैं उससे कोई सरोकार नहीं, क्या कहेंगे संदीप जी? ये कह रहे हैं कि दिल्ली को ही दे दी जाएगी सारी वैक्सीन। देखिए त्यागी जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये चिट्ठियां लिख रहा हूँ क्योंकि चिट्ठियां झूठ नहीं बोलती, ये दिया बाती और थाली की सरकार है, कभी थाली बजा के कभी बात गाल बजा के और मन की मार करती। मैं एक बात कहता हूँ कि ये चिट्ठियां बोल रही हैं जो 26 तारीख को लिखी गई, जो 29 तारीख को लिखी गई और जो कल आई है, ये डोमेन में पब्लिक डोमेन में मौजूद है। मैं ये कहता हूँ कि जब पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में त्राई ताई मची थी तो ये पाकिस्तान को जिसका कहते थे कि 1 के बदले 10 कर लाएंगे उनको इन्होंने दवाई क्यों दी? किसने अफगानिस्तान को दी? किसने बांग्लादेश को दी? किसने दी? जब अमेरिकन कह रहे थे अमरीका फर्स्ट, जब कैनेडियन कह रहे थे कैनेडियन फर्स्ट, जब ब्रिटेन कह रहा था ब्रिटेन फर्स्ट, तो इंडिया में मोदी जी क्यों कह रहे थे पाकिस्तान फर्स्ट, बांग्लादेश फर्स्ट, अफगानिस्तान फर्स्ट? ये कैसा राष्ट्रभक्ति लोग हैं जो मुंह में राम और बगल में छुरी रख के हिंदुस्तान के लोगों की जान पे बनाई है? आज ये क्यों जवाब सुन लीजिए, 1 करोड़ वैक्सीन किस वक्त में दिया आपने? क्यों पाकिस्तानियों को अभिधान बताने का ठेका मोदी जी ने दिया? क्यों हिंदुस्तानियों की सांस को खींच कर आपने पाकिस्तानियों की जान बचाने की कोशिश की थी? संदीप जी
शुभेंदु जी, ये गुस्सा जायज है संदीप जी का, और हर कोई यही सवाल कर रहा है। मालूम नहीं है, ठीक है संदीप जी, संदीप जी ने अपनी बात रख ली है, लेकिन ये गुस्सा लाजमी है, क्योंकि जब हम जानते थे हर जगह आप देख रहे हैं कि तीसरा वेरिएंट भी आया था, दूसरी लहर भी आई थी, हर एक देश तैयार था, फिर आप क्यों नहीं तैयार थे जब बाहर एक्सपोर्ट की जा रही थी? क्या आपको नहीं पता था कि देश में भी ऐसे हालात हो सकते हैं? अगर पहले तैयारी होती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। शुभेंदु जी, आप नहीं मानते इस चीज को? आशिमा जी, इसका जवाब सुन लीजिए पहले जी। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई भी एक भी चीज बेची नहीं गई। जिस कंपनी ने यहाँ पर फॉर्मूला दिया है सीरम को, AstraZeneca ने, उसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो रॉ मटेरियल दे रही है, उसने बना के रखा है, उसका एज ए कॉन्ट्रैक्ट उसको सप्लाई किया गया है, और ये एक भी वैक्सीन किसी को बेची नहीं गई। यही लोग आप फिर झूठ बोल रहे हैं, और इनके तमाम लोगों ने बोला कि कॉमर्शियल वैक्सीन दिया गया है, और ये तमाशा, ये मन की बात कर रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है। भैंसा कौन है? संदीप जी बात सुन लो, जवाब सुन लो। दिल्ली के लोगों की जान जा रही है, वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। टाइम से पहले जब ये इन्होंने मना कर दिया, उस पहले से जानकारी रख के आइए। क्या किया है आपको? कुछ मालूम नहीं है? केजरीवाल जी की तरह आप बैठे, आपके नेता कुछ कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया की तरह झूठ बोलने लगे हो संदीप जी आप भी, और आप कुछ कह रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि बीजेपी कहता भी बीजेपी का साल। ठीक है शुभेंदु जी, एक एक करके बात रखिए संदीप जी, एक एक करके बात रखेंगे, जनता भी समझ पाएगी, क्योंकि बेहद ही गंभीर मुद्दा है। और हम जब दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली की जनता से सरोकार रखता ये मुद्दा है, तो हम चाहेंगे कि एक एक करके बात रखिए। ठीक है, आपका गुस्सा है, हम समझते हैं इस चीज को। वरुण जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ठीक है वरुण जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं शुभेंदु जी की बात से? देखिए, रॉ मटेरियल भेजा गया, मैं कह रहा हूँ दोनों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। देश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स, आपने कॉन्ट्रैक्ट जो भी किया, आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो दो तीन दिन से टीवी पे, तो भाई आप में दूरदर्शिता नहीं थी क्या? वैक्सीन हिंदुस्तान में बन रही है, रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते भाई भारत में भी आएगी तो हमको पहले हम लेंगे। आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया कि आपकी भूमि पे बना के पहले विदेश ले जाएगा? चलो अब इन्होंने कोई गलती करी, लेकिन मुझे बताइए, खुद कह रहे हैं 6 करोड़ वैक्सीन, 6.5 करोड़ कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आपके, 138 करोड़ जो आपकी जनता है, आपने क्यों खोल दिया फिर एज वाइज फटाफट? जब आपके पास 6 करोड़ आपके पास, आप लोगों की मांग थी तो अब मैं बोल लू ना, एक बार बीच में नहीं बोला ना आपके में, अभी तो आप डिसिप्लिन सिखा रहे थे संदीप जी को, आप बोलने लगे। अब आगे बताइए, लैंसेट मैगजीन ने क्या दिया जर्नल ने, उसको भी छोड़िए, विदेशी बातें मैं नहीं करता। हरिशंकर जी व्यास इतने सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने आपकी अंतहीन मूर्खता पे कुछ दिन पहले भी लिखा था, आज भी नया इंडिया अखबार पढ़ लो आप, वेद प्रताप वैदिक जी भी लिख रहे हैं, अजीत द्विवेदी जी भी लिख रहे हैं, पर आप लोगों को समझ में, आपकी गलती हुई है उसको मानो, संवाद स्थापित करो। मैं हर डिबेट में इतने दिन से कह रहा हूँ, क्या परेशानी है? गलती तो होती है, इंसान है, गलती होगी, लेकिन गलती को स्वीकार कर लेना, गलती को स्वीकार कर लेना और उसे समय पे ठीक कर लेना। क्या आप इसको सही नहीं मानते? क्या वाकई ईगो की लड़ाई हो गई है? जनप्रतिनिधि क्यों बना रहे हैं इतने सारे आप लोग पंचायत लेवल तक? वो रोहित जी, अब मैं बोल रहा हूँ ना, जवाब सुन लीजिए। हाँ बोलिए। आपके लोगों ने कहना चालू किया कि ये भारत की वैक्सीन अभी तक ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं, कोई ट्रायल नहीं लगाएगा, ये बीजेपी की मैगजीन है। आपके आपके सभी नेता लोग लाइन से मना कर रहे थे, केजरीवाल जी ने कहा था कि हमको संदेह है कि इसके टेस्ट पूरे नहीं हुए, तब जाके जब भारत के आप सब लोगों ने इस वैक्सीन, आज नहीं तो आज कितनी बड़ी 10 करोड़ वैक्सीन और लग चुकी होती इस समय तक, जो 18 करोड़ की, तो यानी कि आप उसका बदला ले रहे हैं शुभेंदु जी, उसका बदला लिया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कहा तो अब हम नहीं देंगे, उसका मतलब है दिल्ली का दर्द नहीं दिख रहा है? आशिमा, आशिमा जी, जितनी वैक्सीन है भारत को, भारत के पूरे देश को, उसके हिसाब से बांटी जाएगी। बाकी जगह पे और जगह सेंटर खोले जा रहे हैं, 8 सेंटर भारत बायोटेक के बनाए जा रहे हैं, बाहर से वैक्सीन मंगानी चाहिए, जैसे यूपी ने और उत्तराखंड ने और मुंबई ने मंगाई है, ये लोग सो रहे हैं, केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी। ठीक है, आपकी बात को मानते हैं कि जिस जिस राज्य में जहां जहां जितनी जरूरत होगी उतना आप मान रहे हैं ना, उतनी आप देंगे ना वैक्सीन, तो दिल्ली में जितनी जरूरत है वो क्यों नहीं मिल पा रही है? और खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अगर पर्याप्त मात्रा में हमें वैक्सीन मिले तो पूरी दिल्ली को 3 महीने में वैक्सीनेट करा लिया जाएगा। आशिमा जी, बीच में ऐड कर लो इनकी, सुन लेना फिर आप दोनों की बात। मेरी बात सुन लीजिए। अरे भाई ग्लोबल टेंडर की बात कर रहे हो, 2 महीने पहले। ठीक है वरुण जी, कुछ कहना चाह रहे जी? वरुण जी कर लीजिए। ठीक है वरुण जी, अपने हाथ में क्यों रोया रखा था फिर आपने? वरुण जी ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं जी। वरुण जी,
मैं कह रहा हूँ ग्लोबल टेंडर्स राज्यों पे क्यों छोड़ा, अब आपने 2-3 महीने पहले छोड़ देते यार कि भाई हम नहीं कर रहे, आप ग्लोबल टेंडर कर सकते हो। अभी अब जाके जब पब्लिक मरने लग गई, जगह जगह लाशों के ढेर हो गए, जब आप कह रहे हो विदेशों से, कब तो विदेशों से वैक्सीन आएगी, टेंडर पास होंगे, कब लोगों को लगेगी, तैयारी नहीं थी पहले। वही सवाल हम कर रहे हैं कि तैयारी नहीं थी, लेकिन हम संदीप जी के पास चलते हैं। जी संदीप जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं दो बातें कहता हूँ जी, बहुत बड़ी बातें हैं कि जब से आए हो कतार ही कतार है देश में, हे राम हाय राम मचा हाहाकार है, रेल दे चुके हो, अब हमारी सांसें भी घबराई हुई है। मोदी जी को यह पता ही नहीं कि दिल्ली पहले या ढाका पहले, दिल्ली पहले या इस्लामाबाद पहले, दिल्ली पहले या इस्तंबुल पहले, दिल्ली को नहीं बचा रहे। दिल्ली में सेंट्रल रिश्ता में अपना महल रात दिन बनवा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की लोगों की जान पर खेल के किस लिए इन्होंने 6.5 करोड़। संदीप जी, यहाँ डिमांड की बात हो रही है, शुभेंदु जी कह रहे हैं कि जितनी जरूरत होगी उतनी भेजी जाएगी वैक्सीन, तो दिल्ली को कितनी जरूरत है, दिल्ली को कितनी जरूरत है वैक्सीन की, शुभेंदु जी के सामने रख दीजिए वो डिमांड। 100 सेंटर आज बंद है, हमारे जान नौजवानों को वैक्सीन लगनी चाहिए थी, वो सभी जानते हैं। 100 सेंटर बंद हो गए तभी तो चिंता हो रही है। तो आप ये बताइए कि कितनी डिमांड अभी दिल्ली को और जरूरत है वैक्सीन की। शुभेंदु जी कह रहे हैं कि डिमांड के अनुसार जरूरत के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी। 1.34 करोड़ हमने पहले ही मांग रखा था, अप्रैल में हमारा वही डेट है, उसके बाद सिलसिलेवार हमने देते रहे। हम प्रतिदिन 3 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं ताकि 90 दिन के अंदर। शुभेंदु जी आप डिमांड सुन रहे हैं, 1.34 करोड़, और अगर अभी हाल ही की बात करूं सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो एफिडेविट दिया उसमें 8.5 करोड़ की मंथली जो कैपेसिटी है वो बताई जा रही है, क्या ऐसे दिक्कत दूर होगी? देखिए आशमा जी, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है सर? ये हर बच्चे बच्चों को जो पढ़ा लिखा है उसको मालूम है कि 6.5 करोड़ से 7 करोड़ तक ही मैक्सिमम इस महीने के आखिरी तक यदि हम बढ़ाएंगे भी प्रोडक्शन का, तो टोटल भारत के अंदर 8.5 करोड़ वैक्सीन डेवलप होगी। इनसे पूछिए कि इन्होंने 44 लाख वैक्सीन बनाने में 1.5 लाख वैक्सीन तो बर्बाद कर दी है दिल्ली के अंदर, और हमको अभी समझा रहे हैं क्या ऐसे ही है संदीप जी? आप बताइए कहां से बर्बाद हुई है, या झूठ और लूट के चक्कर वैक्सीन को साथ बर्बाद करिए आपने। डाटा दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए आप काला बाजारी कर रहे हो और समझा रहे हो यहाँ पे, आपने पूरे दिल्ली को डरा के रखा हुआ है। वैक्सीन एक दिन में नहीं होती है, 135 करोड़। ठीक है, ये लड़ने का वक्त नहीं है, ये लड़ने का वक्त नहीं है संदीप जी, शुभेंदु जी, ये लड़ने का वक्त नहीं है, सॉल्यूशन का वक्त है कि कैसे इस पेंडेमिक से हम अब आजादी पाए, क्योंकि लोगों के जहन में सिर्फ यही सवाल है। शुभेंदु जी, मन में सबके सिर्फ यही सवाल है कि कहीं ना कहीं कुछ चूक तो जरूर हुई है, क्योंकि अगर बाकी देशों में देखें तो उन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि वक्त रहते अगर तैयारी होती तो जो आज स्थिति देखने को मिल रही है पूरे देश में और खासकर दिल्ली में, तो ये स्थिति नहीं बन पाती? 100 सेंटर हैं, आप वापस समझ रहे हैं कि कहां पहुंच गया है? लंबी कतारें हैं। आप पहले ये समझिए कि वैक्सीन को जब अप्रूव होती है उसके बाद प्रोडक्शन होता है। जब 2 वैक्सीन ही अप्रूव हुई है, एक ट्रायल होता है, 10 कंपनियों ने अपनी वैक्सीन को हमारे पास ट्रायल करके दिया, उसमें से 2 कंपनियों का वैक्सीन तो ये दिसंबर एंड में पास सोल्यूशन तो रखा है ना सर, चालू हुआ। ठीक है, जब 2 अभी कंपनियां बना रही है, कोविशील्ड कोवैक्सीन बन रही है, 2 कंपनियां ये वैक्सीन बना रही है, तो इसको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फॉर्मूला को साझा क्यों नहीं कर लिया जाता? आगे दिक्कत कहां पर है? फॉर्मूला कोई केंद्र सरकार का फॉर्मूला है क्या? ऑक्सफोर्ड जेनेटा का फॉर्मूला है? नहीं, कोई ऑप्शन तो होगा ना सर, दिक्कत कहां है, सॉल्यूशन क्या है? हमने WHO को कहा है कि इसका फॉर्मूला हमको दिया जाए जी, हमने WHO को कहा है, कब कहा है, आप कहा है, ये स्थिति देखकर कहा है? दिखाइए चिट्ठी, वो कब कहा है सुरेंद्र जी, दिखाइए चिट्ठी, आप जाके गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको कुछ मालूम नहीं है, पढ़ के आते नहीं हो आप, जाके पढ़ के आ जाइए, पिछले महीने कह दिया गया है, दिखाइए, झूठ बोल रहे हैं,
ठीक है, वरुण जी के पास चलते हैं, वो भी चर्चा में हमारे साथ। वरुण जी, कहीं ना कहीं जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। सियासत हो रही है, नाराजगी राज्यों की तरफ से जाहिर की जा रही है, लेकिन ये वैक्सीन की कमी आखिर क्यों हो रही है? अगर बाकी देशों की बात करें तो एडवांस बुकिंग हो गई थी, क्या ऐसी कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से आज के दौर में आज के हालात ऐसे बन गए हैं? देखिए, मैं इनसे अनुरोध करूंगा आपस में मत लड़िए। मैंने कई बार डिबेट्स में कहा, जैसे इंडियन यूथ कांग्रेस एग्जाम्पलरी काम कर रही है उससे वो बात अलग है। इन्होंने उसको पुलिस भेज रही है, यूथ कांग्रेस के ऑफिस में रही है, केंद्र सरकार इस प्रकार का रवैया कर रही है, जबकि सहायता बीजेपी के लोग यूथ कांग्रेस से मांग रहे हैं। ऐसा सबसे पहले तो ऐसी बातें बंद करिए और आपस में लड़ना बंद करिए। जो जैसे यूथ कांग्रेस कर रही है, मायने नहीं रह जाता आपस में, आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कोई निचोड़ निकलना चाहिए, सॉल्यूशन निकलना चाहिए। वरुण जी क्या कहेंगे, एडवांस ऑर्डर नहीं होना चाहिए? जनप्रतिनिधियों का भागीदारी बढ़ानी चाहिए, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। संदीप जी ठीक है, आपको मौका दिया ना। वरुण जी, क्या एडवांस बुकिंग नहीं होनी चाहिए थी? एडवांस ऑर्डर नहीं होना चाहिए? डिजास्टर तो इन्होंने किया है, दूरदर्शिता की तो 7 साल से ही कमी हो रही है हर चीज में। नोटबंदी से लेके आज वैक्सीन बंदी तक आ गए हम, लेकिन आज भी लोग मान नहीं रहे। देखिए, जब तक संवाद अपन सारे नहीं होते तो क्या डिबेट हो जाती क्या? एक आदमी से डिबेट होती है क्या? ऐसे ही जब तक आप पूरी जितने सांसद हैं, जितने एमएलए हैं, हमारे पार्षद हैं, पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, उनकी जब तक भागीदारी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही तो उनके ब्यूरोक्रेट्स की थोड़ी है। आप जब तक, आप मुझे बताइए, दिल्ली में कितने सांसद सड़कों पे घूम रहे हैं, कितने विधायक घूम रहे हैं, कितने पार्षद घूम रहे हैं, जब तक आप उनका आकलन नहीं करोगे वो घर घर क्यों नहीं जा रहे? सबसे पहले मैंने हर डिबेट में ये बात बताई, जनता की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और जनप्रतिनिधि लेगा, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी इनको बढ़ानी चाहिए। किसी भी हाल में हर कमेटी में वही होनी चाहिए, हर संवाद में वही होनी चाहिए। उनकी तो जवाब नहीं है, अधिकारियों से क्या जवाब नहीं जनता की? जी संदीप जी, आपने देखा है त्यागी जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारे मंत्री ने गैस का ऑक्सीजन का लंगर लगाया तो ये लोग कहां से कूद गया और आज कोर्ट ने उन्हें बाइकर पर किया। आपने इमरान खान साहब ने जनता को बचाने के लिए, हमारे वही एमएलए हैं, आज सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखनी पड़ती है, उस पर साइन कराती है वो विपक्ष के तमाम नेता को। आज हेमंत सोरेन को ये कहना पड़ता है कि मोदी जी सिर्फ सुनाते हैं, सुनते नहीं। आज उद्धव ठाकरे चिल्ला रहे, विकसित केजरीवाल। ठीक है, हम वहां पर नहीं जाएंगे, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम वहां पर नहीं जाएंगे, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। बात कह रहा हूँ त्यागी जी की, पूरा विपक्ष सिर्फ कमल छाप जहाँ सरकार है उनको छोड़ के, क्योंकि उनको ना बोलने की आजादी है ना उनका मोदी जी सुनेंगे, वो डर और भय के बिना नहीं बोल रहे, फिर भी इनके सांसद आवाज उठा रहे। मैं तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की बात करूंगा और मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बातें कही है थी कि ये फॉर्मूला जो 2 कंपनियों तक सीमित है इसे क्यों नहीं बांट दिया जाता। 16,000 करोड़ रुपए एक कंपनी अपने लाभ में कमाएगी, ये 16,000 करोड़ 32,000 करोड़ का ठेका मोदी जी ने 2 कंपनियों को ही क्यों दे रखा है? क्यों वो इस्लामाबाद और पाकिस्तानियों की जान भारतीयों के जान से पहले समझते हैं? क्यों ना बांग्लादेश सबसे पहले पसंद आता है, वहां वैक्सीन देते? मैं कहता हूँ पहले दिल्ली बता लो मोदी जी। मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ कि दिल्ली में प्राइमा में दिल्ली के लोग मर रहे हैं, दिल्ली का नौजवान तड़प रहा है मोदी जी। शुभेंदु जी ठीक है, संदीप जी ठीक है, शुभेंदु जी वैक्सीन ठीक है। मेरा भी एक सवाल है कि वैक्सीन की रफ्तार धीमी आखिर क्यों है और ये जो सप्लाई में कमी देखी जा रही है आखिर इसके पीछे सच क्या है, आप ही बता दीजिए। आशिमा जी देखो, एक जो भी जनवरी में जिनको प्रोडक्शन के लिए अलाउ किया गया और चालू किया गया, प्रोडक्शन कराने के लिए दिया गया, उसकी एक कैपेसिटी है 6.5 लाख की, एक की कैपेसिटी है और एक की एक करोड़ की, 6.5 करोड़ की और 1 करोड़ की, टोटल मिला के 7.5 करोड़ का वैक्सीनेशन हो रहा है। अभी उनका प्रोडक्शन बढ़ाया गया है तो वो 15% प्रोडक्शन बढ़ा, जो 90 लाख वैक्सीन बना रही थी वो 2 करोड़ बनाएगी, जो 5.5 करोड़ बना रही थी वो 9 करोड़ बनाएगी, और इसको करते करते 1-1.5 महीने के बाद ये 13-14 करोड़ बनने लगेगा। उसके बावजूद भी 14 करोड़ हो जाने के बावजूद भी बहुत सारी वैक्सीन भारत से बाहर से आनी है, 5-6 कंपनियों को। ठीक है, आपका ये रोड मैप है तो ये वैक्सीन की कमी दूर कब तक होगी? मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, 5-6 कंपनियों को ओके कर दिया गया है फाइजर से लेके। संदीप जी, आप के सवाल का जवाब ले रही हूँ, फिर आखिरी कोविड कैंसिल होगी, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। संदीप जी की आवाज म्यूट कर दीजिए। हम सबसे पहले शुभेंदु जी, आप जल्दी से संक्षिप्त में अपनी बात रखिए, ये कब तक दूर होगी कमी? काका, हमने आपका सुन लिया, ये हम सुनते आ रहे हैं। 6 कंपनियों से का जो वैक्सीन है उसको ओके कर दिया गया है, वहां से मंगाई जा रही है, और भारत में भारत बायोटेक का जो फार्मूला है जो इंडिया के पास है उसको 8 कंपनियों में और प्रोडक्शन किया जा रहा है। दूर कब तक होगी सर? टाइम ड्यूरेशन मांग रहे हैं हम, ये अगले 1.5 से 2 महीने में होगा।
अगले डेढ़ से दो महीने में, लेकिन तब तक आम जनता का क्या होगा? फाइनल कमेंट मैं आप सभी से लेना चाहूंगी। वरुण जी आप क्या कहना चाहेंगे शुभेंदु जी की बात पर? संक्षिप्त में कहिएगा क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। जुलाई में जाके एक सप्लाई अगर ये करेंगे वैक्सीन की पूरी निरंतर, तो जब तक दो सेकंड वेव ये जा चुके हुए नए स्ट्रेन आ जाएगा वायरस का, नहीं वो वैक्सीन कितनी कारगर होगी नए स्ट्रेन के ऊपर? ये रिसर्च तो बताए, ये बहुत ही क्रूशियल समय है, इसमें एक डेढ़ महीने का वक्त, आप समझते हैं? संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? शुभेंदु जी कह रहे हैं एक डेढ़ महीना लगेगा। मैं यही कहूंगा कि एक धृतराज सरकार देश चला रहा है, जिसे न देश के लोग मरते देख रहे हैं, न देश की सिताएं दिख रही, न कब्रिस्तानों में कम होती जगह दिख रही है, न मरता हुआ नौजवान दिख रहा, उसकी आंखें कितनी लाल सिताओं के जलने के बाद। संदीप जी हम चाहेंगे कि दिल्ली जिस स्थिति से गुजर रही है जल्द से जल्द दूर हो, हमारा हम यही कोशिश करेंगे और हमारी आवाज ऐसी बुलंद करते रहेंगे। दिल्ली की वरुण जी, संदीप जी और शुभेंदु जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी लगातार बना हुआ है कि आखिर दिल्ली में जो स्थिति देखने को मिल रही है, इस स्थिति से दिल्ली कैसे उभरेगी और रफ्तार जो धीमी हो रही है उसके पीछे का सच आखिर क्या है? इसी के साथ इस खास चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।